गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 1 डिस्कशन करना शुरू किया था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसी के कंटिन्यूशन का एक पार्ट सेकेंड है। आज इन चैप्टर में आगे का हिस्सा देखेंगे। मेरा नाम है प्रशांत नवार। इस चैप्टर में जो डिटेल्स हैं, जो भी चीज़ें होंगी, इसकी PDF की लिंक तो मैं जो नीचे टेलीग्राम चैनल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस टेलीग्राम चैनल पर जाके PDF तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो फॉर नोट्स। तो आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ये क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिए थे। तो आज हम शुरू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज होता क्या, कि जब हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या हैं, तो यहाँ पर अब हम जो फर्स्ट लाइन कह रही है कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। हर जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, चाहे वो एबायोटिक हों बायोटिक हों, हमने बहुत सारे ऑरिजिन के थ्रू पढ़े, बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़े, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। अगर हम आज की डेट में बात करें, जैसे सिटीज़ की, जैसे हम बात करते हैं बड़ी सिटीज़ की, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी एक तरीके से कुछ रिसोर्सेज के थ्रू ही आती है, ये भी हमारे लिए रिसोर्सेज ही हैं। कोल अगर नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। हमने पढ़ा था एक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो ये तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ फ्री गिफ्ट, ये तो नेचर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है ना, ये फ्री गिफ्ट है ह्यूमन के लिए। जैसे एयर है, हम विंड एनर्जी से यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी है, सोलर के थ्रू मैक्सिमम जितने भी हम अर्थ पे चीज़ें देख पाते हैं, कुछ भी हम चीज़ें देख पाते हैं, वो सब चीज़ें सोलर से चल रही हैं। बायोटिक फैक्टर के लिए, बायोटिक के सर्वाइवल के लिए सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर, सो ह्यूमन बींग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली। नेचर के हिसाब से अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग उस रिसोर्सेज को किसी भी तरीके से कोई बिना डिस्क्रिमिनेशन के यूटिलाइज कर सकता है। एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। क्या अब सारी ह्यूमंस उसको यूज करें तो डिप्लीशन, तो ये एक पहला कॉज है कि मतलब जो रिसोर्सेज हमें मिले हुए हैं उनका डिप्लीशन शुरू हो चुका है। जैसे कि अब हम देखते हैं इंडिया में, अगर तुम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो इंडिया में हम जो सबसे ज़्यादा इस समय रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा इशू क्रिएट हो चुका है। इंडिया में ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है। तो ये क्या है, जो ये रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने हमें प्रोवाइड कराए थे, वो हमारी ग्रीड की वजह से, कुछ फ्यू इंडिविजुअल की ग्रीड की वजह से। ऐसा नहीं कह रहे कि सब वाटर का वेस्टेज करते हैं, पर कुछ लोग ऐसा होते हैं जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, पाइप चला देंगे पानी चलता रहेगा। तो इनकी वजह से जो ये डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का, वो गलत है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड विच डिवाइड द सोसाइटी इन टू रिच एंड पुअर। अब कुछ रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिसोर्सेज उन लोगों के हाथ में हैं, अगर मैं जैसे बात करूँ, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिच हैं, ऑयल रिच कंट्रीज, जैसे कि गल्फ कंट्रीज हम देखते हैं, दे आर द ऑयल रिच कंट्रीज। अब उनके पास इतना पैसा है, वो आज की डेट में बहुत पैसे वाली कंट्रीज हो चुकी हैं। बट हम वहीं गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं, फिर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करते हैं, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, वो हर चीज़ के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट है, वो एक पुअर कंट्रीज में आ चुकी हैं। तो जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं वो एक रिच, और जो पुअर सोसाइटी का चीज़ें बन रही हैं, तो ये भी एक इशू है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड द लैंड डिग्रेडेशन। हम ये देख रहे हैं कि जो ये रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी मीटिंग हो चुकी हैं। जैसे कि अभी पेरिस क्लाइमेट हुआ था 2016 में, ऐसे ही बहुत सारे क्लाइमेट के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कल भी हमने एक सोलर एनर्जी के ऊपर बात करी थी, वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो हम बात कर रहे थे, वैसा ही। तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये ह्यूमन की वजह से ही हो रहा है, जो CFC गैस हम बार बार यूटिलाइज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। तो इस चीज को डिस्कस करते हैं। फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल। मतलब हम चाहते हैं कि लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो पहले जैसी, जैसे कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जैसे हर बार विंटर्स के टाइम पर, मतलब जब जो चावल की फसल है, ठीक है, वो कटती है,
उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली और जो ये दिल्ली एनसीआर वाला जो एरिया है ये हमेशा चोक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्मोक इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पर लोगों को सांस लेने में तक में दिक्कत होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 350 क्रॉस कर जाता है, 400 तक क्रॉस कर जाता है, तो वो ह्यूमंस के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। तो सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज रिसोर्सेज बहुत ही इजेंशियल बन चुका है कि इनका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि चीज़ ऐसी ना हो कि कुछ ग्रीडी पीपल उनको इतना ज़्यादा ख़त्म कर दें कि वो आगे की जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। फॉर यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियली, जुडिशियली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का सेंस यहाँ पर ये है कि हमें बहुत सोच समझ के चीज़ें खर्च करनी चाहिए। कि अब अगर हम सोचें कि अगर हम अभी की जनरेशन के हिसाब से देख के चलें, हर चीज़ को टोटली स्पैंड करते चले जाएं, है ना, तो वो आगे के लिए कुछ नहीं बचेगा। आगे की जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनके लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे, उन्हें जो लाइफ स्पैंड करनी पड़ेगी वो एकदम, मतलब ये भी हो सकता है कि उनके पास कोई रिसोर्सेज बचे ही ना यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि जो उनके प्रीवियस जनरेशन हैं वो सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं। सपोज करो जो हमारी प्रीवियस जनरेशन थी उन्होंने सारा का सारा ऑयल एंड कोल सब कुछ फिनिश कर दिया होता, कुछ नहीं होता, तो आज की डेट में हम किस टाइप की लाइफ जी रहे होते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हम सोच सकते हैं कि रिसोर्सेज को जो हमें स्पैंड करना है वो बहुत जुडिशियली स्पैंड करना है, ताकि जो हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मतलब हर चीज़ फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, अब के इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना है, सब चीज़ें सोच के हम काम करें। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट को हार्म ना करें भी किसी भी तरीके से। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब आज की डेवलपमेंट के लिए, मतलब आज के लोग अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकें, तो उसके लिए हम जो फ्यूचर जनरेशन हमारी आने वाली है उनके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर जो मीनिंग है बनता है एस जी का, वो क्या बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नो डैमेज टू इन्वायरमेंट, फिर है क्या नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज विद फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। होपसो इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड प्लेस विद डैमेजिंग, ये भी जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है, हमें इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना है। तो यहाँ पर जैसे कि इमेज है देखो इसको, ह्यूमन शुड वी, हम करते क्या हैं, हम ह्यूमन्स जो हैं उनकी आदत क्या है, शुड वी हैव सेव नेचर, वर्क टूवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑल्सो ह्यूमन क्या कहता है, ओ आई विश आई कुड बट आई डोंट वॉन्ट टू, मतलब क्या है कि हम चाहते हैं, बस हम बोलते रहते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, पर लगाते कितने हैं, जीरो, ठीक है। अगर लगाते भी हैं तो वो एक दिखावटी होता है, मतलब आजकल मैंने बहुत देखा है कि न्यूज़पेपर में क्या करते हैं कि दिखावटी फोटो लगवा देते हैं कि वहाँ पे पेड़ लगवा रहे हैं, उन्हीं पेड़ को खड़वा के दोबारा से उन्हीं को लगवा देते हैं। बहुत, मतलब जहाँ पर चीज़ें लगाई जा सकती हैं जैसे पार्क्स हो गए, हम अपने घर में भी छोटे छोटे गार्डन्स बना सकते हैं, बट करते क्या है, करते कुछ नहीं है, बस बोलने वाला काम कि पानी को, वाटर सेव करो, पर पानी बचाना किसी को नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी सेव करो पर इलेक्ट्रिसिटी बचानी, मतलब पता है सबको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे उतना ही हमारे कंट्री के लिए भी थोड़ा इशू है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर जहाँ हम जिस रूम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को सिक्योर, मतलब अपने आप को चीज़ें समझा के करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके टोटल 17 गोल होते हैं, 17 गोल्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पर गोल्स की इमेज लगाई है। सबसे पहला गोल है नो पॉवर्टी, तो अगर हम ये सब गोल अचीव कर लेते हैं, इनके सब पार्ट भी हैं, ठीक है, जैसे गोल 1 है तो 1 के भी कुछ सब पार्ट हैं, पर मैंने यहाँ पर मेन गोल लिखा है। तो 1 फर्स्ट गोल बोलता है नो पॉवर्टी, सेकेंड है जीरो हंगर, हमें जो हंगर है वो जीरो तक लेके जानी है, कोई भी वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पर कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, ये क्वालिटी एजुकेशन, फोर्थ पॉइंट जेंडर इक्वालिटी, मतलब जो जेंडर गैप है, जो जेंडर में मेल एंड फीमेल जो इंडिया में तुम रेगुलरली देखते हो बहुत जगह पे, आज भी जेंडर इक्वालिटी का
मैक्सिमम जगह इंडिया में फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है एक नेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। एक नेशन को डेवलप करने के लिए हमें जेंडर भूल जाना चाहिए। मतलब जेंडर भूल जाने का मतलब मेरा ये कहने का ये है कि हमें जेंडर के बेसिस पे काम नहीं करवाने चाहिए। बोथ आर इक्वल, ह्यूमंस सब हैं, ह्यूमन उतने ही, सब में उतनी ही पोटेंशियल है और सब में उतना ही ब्रेन होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है कि लड़कियों को इंडिया में बहुत जगह तुम देख सकते हो, स्पेशली विलेजेस जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पे भी, बट आजकल प्रमोट हो रहे हैं कि लड़कियों को एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं दिलाई जाती है। बट हम हर जगह देखते हैं कि गर्ल्स इंडिया में बहुत, चाहे वो CBSE टॉपर हो, स्कूल टॉपर हो, मैक्सिमम जगह गर्ल्स निकलती हैं। तो ये जेंडर इक्वलिटी नेशन डेवलपमेंट के लिए इंडिया में बहुत ज़रूरत है, इंडिया नहीं वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिक्स पॉइंट क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर मतलब सबको पीने का पानी अच्छा मिले, जिसके लिए एक टैप वाटर स्कीम इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू करी है, जिसमें जो उनकी कोशिश क्या है कि जो घर का पानी है वो नल से ही मिल जाए, ताकि जैसे हमारे घर में जो टंकी होती है उसके थ्रू ही हम डायरेक्ट मोटर से पानी ले सकें, टैप वाटर स्कीम हो कि हमें फिल्टर्स वगैरह ना लगाने पड़े। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जिसके लिए हम सोलर है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, उनके लिए हम वर्क कर रहे हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, RIII इसको बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है रिड्यूस इनइक्वालिटीज। फोर्थ है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 11th पॉइंट था, 12th पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13th है क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट के लिए हमें वर्क करना है। 14th है लाइफ बिलो वाटर, जो शेलो वाटर में जो जो एक लाइफ है, जो फिश की जो ये जो लाइफ है, इनको भी हम ऐसा ना करें कि ह्यूमन अपनी ग्रीड के लिए इनको भी नुकसान पहुंचाता चले जाए। जो हम क्या करते हैं कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, जो कंपनीज का वेस्ट होता है, वो रिवर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ है वो एक डेंजर में पड़ चुकी है। लाइफ ऑन लैंड, पक्षियों के लिए तुम अगर देखते होंगे, तुम नोटिस कर सकते हो कि हम आजकल अपने आसपास जो पहले जो मतलब जो बर्ड्स थे उनकी जो मतलब क्वांटिटी थी वो कम होती जा रही है डे बाय डे। तो ये चीज़ भी हमें फोकस करनी है। पीस, जस्टिस, स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। सो दीज आर द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिस जो भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे उसके ये 17 गोल्स बनाए हुए हैं अपने वर्ल्ड को सुधारने के लिए। इंडिया इनको अचीव करने के लिए बहुत स्पीड से लगा हुआ है, ठीक है। जैसे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए मैंने कुछ स्कीम्स बताई तुम्हें कि जैसे हर घर में टॉयलेट बनवाने का काम सैनिटेशन के लिए किया है ना। क्लीन एनर्जी के लिए जैसे सोलर एनर्जी को कितना प्रमोट किया जा रहा है। गुड हेल्थ के लिए जैसे आयुष्मान भारत स्कीम इंडिया में चल रही है। तो ऐसे इंडिया में मैक्सिमम क्लाइमेट एक्शन के लिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, और भी हम चीज़ें कर रहे हैं। तो सबके लिए कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट अपने आप को बहुत अच्छे से एक 2030 का जो टारगेट, 2025 और 30 के जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं वहां तक अचीव करने का टारगेट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसोर्स प्लानिंग का, कि व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, हमें रिसोर्स की क्या प्लानिंग करनी चाहिए। एक टिपिकल, ये एक नॉट अ इजी प्रोसेस, ये एक बहुत टिपिकल प्रोसेस होता है रिसोर्स को प्लानिंग करने का। तो देखते हैं कि क्या है। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन। सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी कौन से रीजन में किस टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑफ द कंट्री। जैसे सपोज करो, जैसे इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, यानी छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड वाली बेल्ट है, जहाँ पर आयरन कोल्स की माइंस मिल जाती हैं हमें, तो उन रीजन के रिसोर्सेज की हमें पता होनी चाहिए, रीजन्स के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। दिस इन्वॉल्व सर्विंग, इसके लिए हमें सर्वे कराने पड़ता है, मैपिंग करनी पड़ती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट करना पड़ता है, मीजरमेंट करना पड़ता है कि एक मीजरमेंट किया जाता है कि कितने रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, किस लेवल पर अवेलेबल हो सकते हैं ये। सेकेंड पॉइंट क्या है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप ऑफ इंप्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपिंग प्लान। नेक्स्ट क्या है, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। मतलब जो ये रिसोर्स प्लान का जो ये है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान के साथ वर्क करना चाहिए, कि जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लान है और जो नेशनल डेवलपमेंट का प्लान है वो एक दूसरे से मैच करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे रियो डी जेनेरियो,
अर्थ समिट 1992, ये एक ब्राजील के एक शहर में, रियो शहर में, जिसमें 2016 में ओलंपिक्स भी हुए थे, उसमें 1992 में एक अर्थ समिट हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ सीडीएस, ठीक है ना, सीडीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट मेट इन रियो, रियो में ब्राजील में ही मिले थे। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी। तो जो क्वेश्चन आया है कि रियो समिट कौन से ईयर में हुई थी, एक तो इस तरीके से आया है, और फर्स्ट अर्थ समिट कब हुई थी, ये भी एक तरीके से आया। द समिट वॉज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। हम 1992 से कोशिश कर रहे हैं जो अर्थ का टेम्परेचर है कैसे भी इसको मेंटेन किया जाए, इस टेम्परेचर को बढ़ने ना दिया है, जिसकी वजह से जो हम ग्लोबल वार्मिंग की जो कंडीशंस देख रहे हैं। अगर तुमने अभी एक रिसेंट रिपोर्ट पढ़ी होगी तो उसमें एक रिपोर्ट में ये आया था कि इंडिया के जो आसपास के जो कोस्टल एरिया की सिटीज हैं, इसमें ऐसी इंडिया की 12 सिटीज को मार्क किया गया है जो पॉसिबिलिटी ये है कि वो आगे आने वाले कुछ 10-15 साल में पानी के अंदर मर डूब सकती हैं, ठीक है, अगर इसी तेजी से हीट बढ़ती रही तो। तो इन्हीं इसी के लिए ये अर्थ समिट की गई कि हम कैसे भी अपने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचा सकें। जो हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे पोलर बियर है, वो पोलर रीजन में रह सकता है, अगर पोलर रीजन ही नहीं बचेगा तो वो एनिमल भी एक्सटेंट हो जाएंगे। तो इनके लिए हमने क्या किया था, रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। इसके लिए हमने एक एजेंडा 21 अडॉप्ट किया था। क्वेश्चन ये भी आया है कि एजेंडा 21 हमें कहाँ से मिला, तो याद रखना रियो अर्थ समिट 1992 से एजेंडा 21 हमें मिला था, जिसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, मतलब हम 21st सेंचुरी में जो डेवलपमेंट करेंगे वो सस्टेनेबल लेवल पे करेंगे, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखेंगे और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखेंगे। तो जो एजेंडा 21 क्या कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, ठीक है। तो ये एजेंडा 21 याद रखना, और अर्थ समिट याद रखना कि अर्थ समिट हुई कब थी, ठीक है। अर्थ समिट हुई थी 1992 में, जिसमें हमने एक एजेंडा 21, मतलब एजेंडा, मतलब एजेंडा 21 क्या कहना है, 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू इंडिया या वर्ल्ड में डेवलपमेंट होगी। एजेंडा 21 इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट। तो ये याद रखना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर मुझे बताओ कमेंट में, कमेंट देखो चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है ना। हेडक्वार्टर इसका मुझे बताना है, हेडक्वार्टर बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। विच टुक प्लेस इन रियो ब्राजील, इट एम टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम क्या है, इसका एम है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, ठीक है। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंट डैमेजेस। हम किसको कॉम्बैट, हम किससे लड़ना जा रहे हैं, जो एनवायरमेंट के डैमेज हमने कर दिए हैं, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, पॉवर्टी, गरीबी, डिसीजेस, थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन, मतलब वर्ल्ड लेवल की कॉपरेशन के थ्रू कॉमन इंटरेस्ट पर इनको हम कैसे भी अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम एक ग्लोबल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने वन वर्ल्ड वन ग्रिड का कल एग्जाम्पल देखा था, उसको तुम इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हो। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। देखो अब यहाँ क्या है ना, कैसा आ रहा है कि तो एक तो वर्ल्ड लेवल पे हमने चीजें कर ली हैं, फिर एक लोकल लेवल पर आया, यानी म्यूनिसिपालिटी या नगर पालिका क्या करें, अपनी सिटी के हिसाब से एजेंडा बनाएं, अपने सिटी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपने हिसाब से अपने एजेंडा बनाएं और उनको अचीव करें टारगेट से पहले, जो भी उन्होंने ईयर रखे हैं उसके हिसाब से अचीव करें, ताकि जो काम है वो ग्रास रूट लेवल से हो। फिर यहां पर आता है लैंड रिसोर्सेस। अब हम लैंड रिसोर्सेस की बात करेंगे। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो ह्यूमन लाइफ यहां पर क्यों लिखा है, अगर लैंड प्रॉपर नहीं होगी तो ह्यूमन भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है, ये हमें मिलती है ग्रीन वेजिटेबल्स, ट्रीज। सबसे पहली चीज तो ह्यूमन को सरवाइव के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर लैंड ही प्रॉपर नहीं होगी तो ट्री ग्रो नहीं होंगे, ट्री ग्रो नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए लैंड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है।
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमें लैंड रिसोर्सेज चाहिए। लैंड इज प्रेजेंट इन लिमिटेड साइज, भाई देखो लैंड का साइज तो लिमिटेड है ना भाई, अर्थ का जो अपना एरिया है वो एक लिमिटेड एरिया है, तो लैंड का साइज भी, जैसे इंडिया का जो लैंड है वो भी एक लिमिटेड है, तो जो लिमिटेड साइज है उसी को हमें बहुत इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। जैसे हम एक घर की बात करते हैं, घर हमने सपोज करो एक, जिसे लोग लेमैन लैंग्वेज में बात करें, जैसे 100 गज का एक प्लॉट है हमारा, ठीक है, अब उस पर घर बनाना है, तो मेरे मेरा जो लैंड है, मेरा ये लैंड तो लिमिटेड हो गया ना, अब मुझे इस पर घर बनाना है, तो मुझे इस पर घर को कितने इफेक्टिवली मैं इसको बना पाता हूँ। देखो ना, कुछ घर ऐसे होते हैं कि वो उतने ही एरिया में बढ़िया अच्छे बने होते हैं, और कुछ कम एरिया, मतलब एरिया ज़्यादा होने के बावजूद भी अच्छे नहीं होते, तो वो क्या है कि उन्होंने अपने लैंड को कितने इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है। फिर हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें यहाँ पर, तो उसमें हम बात करते हैं 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन, प्लेन एरिया, मतलब प्लेन एरिया क्या है, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश वाला एरिया, ठीक है, ये प्लेन एरिया में आता है, विच प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंट्री आर माउंटेन, माउंटेन मतलब जैसे कि हिमालयाज हो गए, है ना, और अरावलीज हो गए, सतपुरा, विंध्यास, और तुम्हारे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, इसके बाद तुम्हारा पूर्वांचल हो गए, गोरा खासी और जयंतिया हो गए आसाम की साइड, मेघालय में, तो ये क्या है, 30% हमारे एरिया का क्या है, माउंटेन वाला रीजन है, ठीक है। 27% एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू रीजन जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, तो ये क्या है हमारा 27% जो है, जहां पर प्लेट्यू में क्या है, प्रोसेसेस विच रिजर्व ऑफ मिनरल, प्लेट्यू में हमें मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल मिलते हैं, फॉरेस्ट, तो ये चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती है, इट इज ऑफ 27%। तो 43% प्लेन एरिया है, 30% माउंटेनियस रीजन है, और 27% प्लेट्यू है। यहां पर मैंने एक इंडिया का डायग्राम लगाया है, देखो यहां पर तुम देख सकते हो कि बैरन लैंड इंडिया में जो ग्रे कलर इस तरीके से जो सबको डिनोट करा हुआ है, ठीक है, जैसे प्लांटेशन कैसे है, मिक्स्ड फॉरेस्ट कहां पर है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहां देख सकते हो तुम, ये सारा सारा रीजन एवरग्रीन फॉरेस्ट का है, ठीक है, जो रेड वाला है बिल्ट अप एंड अर्बन एरिया है, ठीक है, क्रॉप लैंड देख सकते हो कि इंडिया में क्रॉप लैंड, इंडिया में सबसे ज्यादा क्रॉप लैंड है देखो, ठीक है, मैंग्रोव्स वाले जो एरिया है, मैंग्रोव्स यहां पर तुम देख सकते हो, ये मिक्स फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स यहां पर। तो लैंड रिसोर्सेज प्लेन, माउंटेन और प्लेट्यू, 43%, 30% एंड 27%। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया और जो रिसोर्स प्लानिंग हमने यहां पर पढ़ी है, दोनों एक ही चीज है, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा स्लाइड है, इसको रीड आउट कर लेना, हम आगे देखते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन की डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सिस की कंडीशन, रिसोर्सिस की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, ठीक है ना, बट ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर रिसोर्सिस अवेलेबल है पर टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पर इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं है जो इस रिसोर्सिस को यूटिलाइज कर सके। देर आर मेनी रीजन इन आर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सिस बट दीज इंक्लूडेड इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन, मतलब हमारी कंट्री में वहां रिसोर्सिस तो बहुत हैं बट वो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है अभी भी। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं झारखंड का, ठीक है, वहां पर रिसोर्सेज हैं अच्छे खासे, ठीक है, पर वो इकोनॉमिकली इतने अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं। ऑन द कॉन्ट्री देर आर सम रीजन विच हैव अ पुअर रिसोर्सिस बेस, वहां पर रिसोर्सिस नहीं है बट वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, तो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि किसी रीजन में जब तक रिसोर्स नहीं होंगे तो वो डेवलप नहीं होगा। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन का मतलब कि जैसे यहां पर जैसे ब्रिटिश ने इंडिया पर रूल किया उसी तरीके से, रिवील दैट रिच रिसोर्सिस इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर, भाई जहां पर रिसोर्सेज ज्यादा होंगे वहां पर फॉरेन कंट्रीज के इन्वेडरिंग भी ज्यादा होगी। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनाइजिंग कंट्री दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज। अब क्या, जैसे कि इंडिया में तुमने देखा होगा, अगर तुमने मॉडर्न इंडिया के बारे में थोड़ा सुना है तो उसमें देखा होगा कि इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं आए थे, फ्रेंच भी आए थे, डच भी आए थे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोगों ने इंडिया पर अटैक किया, इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश की थी, कॉलोनीज बनाने की कोशिश की थी, बट अब ये कॉलोनीज बनाने के लिए क्या, इंडिया का जो पहले से ट्रेड था वो ट्रेड बहुत अप टू द मार्क था, इंडिया में रिसोर्स बहुत है इंडिया में, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं स्पाइसेस का, इंडिया के स्पाइसेस वर्ल्ड फेमस हैं,
तो ये इन फॉरेन इन्वेडर्स को अट्रैक्ट कर किया इन्होंने, इन चीजों ने फॉरेन इन्वेडर्स को अट्रैक्ट किया, ठीक है। अब इनकी कॉलोनीज बनने की वजह से यहाँ पर इंडिया में क्या हमने देखा, फिर अगले जो जैसे इंडिया में जो 1600 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, तब से लेके और जब 1947 तक ये गए, तब तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, इंडिया को एक्सप्लॉइट किया किसी ना किसी तरीके से। जैसे ये एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे सकता हूँ कि क्या करते थे कि इंडिया का रॉ मटेरियल खरीदते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदते क्या छीनते थे और ब्रिटिश भेजते थे, लंदन भेजते थे, फिर उस रॉ मटेरियल को एक गुड में कन्वर्ट करके वापस इंडिया में 10 गुने दाम में जाके बेचते थे। जैसे कि अगर रॉ मटेरियल 1 रुपये में खरीदा है, ठीक है, यहाँ ब्रिटिश लेके गए उसको, इंग्लैंड लेके गए, वो उसको फिर 20 रुपये में कन्वर्ट करके इंडिया में लाके बेच रहे हैं, तो 1 रुपये का जो सामान यहाँ से ले रहे हैं वो उसे हमें उल्टा लौटा के 20 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है। आज की डेट में यही होता है। जैसे गेहूं है, हम गेहूं का क्या करते हैं, गेहूं सस्ते में खरीदते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज क्या है वो, उन्होंने गेहूं ले लिया, अब वो उसको कन्वर्ट करेंगे, आटे में कन्वर्ट किया या फिर उन्होंने उसको ब्रेड में कन्वर्ट किया या फिर उन्होंने किसी भी चीज में कन्वर्ट किया। अब जब वो हम वही ब्रेड खरीदने जाएंगे जो कि उस गेहूं से बनी है, जो रॉ मटेरियल है, वो उसके प्राइजेस उसके 10 टाइम्स या 20 टाइम्स हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यही जो कॉलोनाइजेशन हुआ है, जो ये कॉलोनीज आई हैं रिसोर्सिस की वजह से इंडिया में आई, वर्ल्ड की जिस भी कंट्रीज में हम देखते हैं वहां पर आए, उनको एक्सप्लॉयट किया उन रिसोर्सिस को, अपनी कंट्रीज को, उनके पास रिसोर्सिस ना होने के बावजूद भी क्या हुआ, वो डेवलप्ड हुए, कैसे, हमारे रिसोर्सिस को एक्सप्लॉयट करके, ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर ये महात्मा गांधी का एक कोट है, देर इज इनफ फॉर एवरीबडी, एवरीबडीज नीड, मतलब इस धरती पे वो सब कुछ है जो लोगों की नीड को पूरी कर सकता है, बट किसी के लालच को पूरा करने के लिए यहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम किसी का लालच पूरा नहीं कर सकते कभी भी। गांधी जी ने बोला था कि यहां पर हमारे इस धरती पर सब कुछ है जो हमारी नीड को पूरा कर सकता है, मतलब कि जैसे अगर हमें नीड है, एक बेसिक नीड की जो बात होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो सबकी नीड पूरी हो सकती है, बट अगर कोई ग्रीड करे, कोई लालच करे कि नहीं मुझे दिन में सपोज करो 56 प्रकार के भोजन खाने हैं, ठीक है, खाएगा सिर्फ वो थोड़ा सा और वो सारा वेस्ट कर देगा, तो किसी के लालच के लिए यहां पर कुछ भी नहीं है। तो अब इन रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट हो सकता है तुम्हारे किसी भी आंसर राइटिंग के लिए, तो इसको मेंशन कर लेना, ठीक है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, मतलब हम इसकी कंजप्शन इतनी थी भी नहीं, ओवर यूटिलाइज किया हमने उसको, ऑफ रिसोर्सेज, ये क्या कर सकता है, ये इन्वायरमेंट और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम कैसे, कि जैसे कोल को बर्न करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट हमको उसको एक ओवर लेवल पे जाके उसको बर्न किए जा रहे हैं हम, जबकि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी यूज कर सकते हैं, बट हम सारे काम कोल के थ्रू ही करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उसका, ठीक है। जरूरत जैसे पानी है, पानी की जरूरत हमें 2 लीटर की है और हम 2 लीटर पानी के लिए 5 लीटर पानी को वेस्ट कर रहे हैं, ये ओवर यूटिलाइजेशन हो गया, तो ये क्या हो रहा है, ये इन्वायरमेंट और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम, हमें इन प्रॉब्लम्स को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन, अब लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट, यहां पर तीन चार तरीके की चीजें हैं, तो फर्स्ट चीज है फॉरेस्ट, जो लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जैसे कि बैरन बैरन लैंड और वेस्ट लैंड हो गया, ऐसी लैंड जो किसी भी टाइप के कल्टीवेशन के लिए यूटिलाइज नहीं की जा सकती, जैसे कि थार डेजर्ट की हम बात करें। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूसेस, जैसे कि बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज हो गई, इन पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट क्या है, अदर अनकल्टीवेटेड लैंड, तो जो लैंड है जिनको हम अनकल्टीवेटेड, यानी परमानेंट पैश्चर है, ग्रेजिंग लैंड है, जहां पर घास बहुत ज्यादा है, परमानेंट पैश्चर मतलब घास बहुत ज्यादा है जो वो ग्रेजिंग के लिए यूज हो सकती है। लैंड अंडर द मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुव्स, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जैसे कि मतलब ये क्या कहना चाहता है कि यहां पर एक तो परमानेंट पेस्चर वाली लैंड हो गई, दूसरी है लैंड अंडर द मिसेलेनियस ट्रीज क्रॉप, मतलब कि यहां पर जो मतलब जो ट्री की क्रॉप है वो हमने लगा दी है, जैसे बाग होते हैं यहां पर, हम यूपी में देखते हैं बाग बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं। फिर है फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर मोर वन और लेस देन 1 ईयर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, हमें किसी भी तरीके की उसमें कल्टिवेशन नहीं करी है एक से ज्यादा साल के लिए।
अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब हम उस पर कल्टिवेशन कर सकते थे पर हमने एक से 5 साल तक उसमें कोई, मतलब 5 साल से ज्यादा कोई कल्टिवेशन की ही नहीं है, छोड़ दिए, खाली छोड़ रखी है। फिर कौन सी लैंड है, नेट सोन एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब एक से ज्यादा जब हम उसमें मतलब 1 साल के अंदर एक बार से ज्यादा उसमें अगर हम किसी भी टाइप की फसल करते हैं तो उसे बोलते हैं, मतलब मोर देन वन, ठीक है ना, वंस इन अ ईयर, तो उसे हम बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, अभी इंडिया में किस तरीके के लैंड पैटर्न यूज किया जाता है, द लैंड द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल ट्रेडिशनल एक्सेट्रा। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज लैंड द लैंड यूज रिपोर्टिंग द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट आसाम हैज नॉट बीन डन फुली। जो हमारे पास लैंड का डेटा है वो 93% लैंड का ही डेटा है, उसका ये रीजन बता रहा है कि जो आसाम के अलावा जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है वहां का जो रिपोर्टिंग है वो हम प्रॉपर तरीके से अभी तक नहीं कर पाए। ऑल्सो सम एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव नॉट बीन सर्वेड, अभी तक हमने जो कुछ एरिया जैसे कि अस्काई चीन वाला एरिया है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कश्मीर उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है वो एरिया अभी तक हमने सर्वे नहीं किया है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मीजर, अब डिग्रेड कैसे होता है, डिग्रेड होगा डिफॉरेस्टेशन से, मतलब हम पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे हैं माइनिंग की वजह से, या फिर ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग का मतलब है जहां पर घास ज्यादा खिला दी जाए, मतलब ओवर मतलब वहां पर चराया ज्यादा जा रहा है ना गाय भैंसों को, तो दिस इज द रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अब इस डिग्रेडेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि हम फॉरेस्ट बढ़ाने शुरू करें, शेल्टर बेड बनाएं प्लांट्स की, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, जो ओवर ग्रेजिंग जो सबसे इशू है उसको कंट्रोल करें, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है उसका मैनेजमेंट करें, कंट्रोल द माइनिंग एक्टिविटीज, जो माइनिंग एक्टिविटीज है हम इनको कंट्रोल करें। तो क्या हो सकता है, जैसे एफॉरेस्टेशन, पेड़ ज्यादा लगाने चाहिए, शेल्टर बेल्ट लगानी चाहिए प्लांट्स की, मतलब जहां पर हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं वहां पर प्लांट ग्रो करो ज्यादा से ज्यादा, ओवर ग्रेजिंग को कम करो, मतलब जो ग्रेजिंग ज्यादा कुछ जगह जैसे पेस्चर लैंड है वहां पर ओवर ग्रेजिंग करा देते हैं, मतलब वहां पर जो घास उगनी चाहिए उसको भी, मतलब छोटी छोटी घास को भी चरा दे रहे हैं, तो वो क्या है, ओवर ग्रेजिंग का कारण है, जिसकी वजह से क्या होता है घास के साथ जब मिट्टी उखड़ के आती है तो वो एक लैंड डिग्रेडेशन का कारण बन जाती है। सॉइल एज अ रिसोर्स, ठीक है, सॉइल को हम एक तरीके रिसोर्स के तरीके से यूज कर सकते हैं। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, सॉइल क्या रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल कैसे कि जैसे सॉइल है वो जमा होगी तो पत्थर बनेंगे, पत्थर से फिर वो सॉइल बनेगी, जैसे लावा निकलता है, लावा सूखता है वो माउंटेन बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होगा, रॉक से फिर वो कन्वर्ट होगा मेटामॉर्फिक इन रॉक्स में, फिर वो सॉइल में कन्वर्ट होगा, तो सॉइल एक रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, शायद इसके बारे में एक प्रॉपर हम जब रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसको अच्छे से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, बहुत सारे टाइप की क्लासिफिकेशन है, इंडिया के हिसाब से भी हम उन क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो पहला फॉरेस्ट, ब्लैक सॉइल, एलुवियल, एरिड, लेटराइट, ये रेड एंड येलो सॉइल, तो ये पे तुम ग्राफ में देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैक्सिमम एरिया इंडिया में है वो रेड और येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल का है, तो ये येलो वाला जो रीजन है ये सारा सारा एलुवियल सॉइल का है, ये ब्लैक सॉइल है, ये रेड एंड येलो सॉइल है, दिस इज फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया इंडिया में क्या है, एलुवियल सॉइल का एरिया है। तो एलुवियल सॉइल होती क्या है, एंटायर नदर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, ये सबसे ज्यादा यहां पर क्या होगा, ये फर्टाइल ज्यादा होती हैं। ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न पोर्शन प्लेन, देखो यहां पर, ठीक है, ये सारा सारा एलुवियल सॉइल का पार्ट है, ये फर्टाइल सॉइल होती हैं, फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब यहां पर कल्टीवेशन भी ज्यादा है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, इनकी जो जो मतलब जो सबसे ज्यादा इनमें रिच है वो पोटाश है, फॉस्फोरिक एसिड है, लाइम है, विच आर आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड
सीरियल एंड पल्सिस क्रॉप, मतलब जो इसमें जो पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम की प्रेजेंस है उसकी वजह से शुगर केन की ग्रोथ पैडी और वीट क्रॉप की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है। फिर आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में आ चुका है क्वेश्चन। ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है इस वजह से उसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, और ये रेगर सॉइल भी है। ये कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, मतलब कॉटन जो ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे अच्छा होता है। फाउंड इन द प्लेटी ऑफ महाराष्ट्र, कहाँ पर? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये देखो अगर तुम देखो तो ये वाला रीजन, तो ये महाराष्ट्र वाला रीजन है, सौराष्ट्र वाला रीजन और मध्य प्रदेश वाला रीजन, ठीक है। छत्तीसगढ़ ऑल्सो अलॉन्ग विद द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर वैलीज, यहाँ पर भी मिलती है। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, मतलब इसमें पानी होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है ना। मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, मतलब ब्लैक सॉइल जानी ही अपने मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी की वजह से जाती है। तो ये रिच होती है कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम में, पोटाश एंड लाइम। देखो पोटाश एल्यूवियल में भी था, यहाँ पर फॉस्फोरिक था, लाइम था, तो यहाँ पर भी पोटाश और लाइम दोनों हैं, बस यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। और यहाँ पर दो एक्स्ट्रा चीजें क्या हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, जो केमिकल फॉर्मूला होता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल हमने देखा कि जो ब्लैक सॉइल के अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ये रहा, सारी सारी रेड एंड येलो सॉइल, और ये वाला पूर्वांचल वाला जो एरिया है, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल फाउंड इन एरिया लो रेनफॉल, जहां पर पानी बारिश कम है, इन ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन एंड द जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। इनका रेडिश कलर होता है और डेवलप टू अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड द मेटामॉर्फिक रॉक। आयरन की वजह से इनका जो कलर है वो रेड है, ठीक है ना। आयरन के डिफ्यूजन की वजह से वहां पर जो इनका जो कलर है वो क्या होता है, रेड होता है। फिर आती है लेटराइट सॉइल, डेवलप्ड इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहां पर हाई टेम्परेचर भी हाई होगा, रेनफॉल भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली रीजन ऑफ ओडिशा एंड आसाम, इन रीजन में लेटराइट सॉइल होगी। ये कल्टीवेशन जो फर्टिलाइजर है, एडिक्वेटेड डोज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, लियो ह्यूमस कंटेंट बिकॉज ऑफ डीकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस यहाँ पर लो होता है, ठीक है ना। सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, जैसे कि अब केरला वाला एरिया स्पाइसिस के लिए फेमस है ना, और काजू के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश गेहूं के लिए फेमस है, एमपी वीट वाला। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पर लेटराइट सॉइल मिलती है। एरिड सॉइल मतलब कि जो तुम्हारा राजस्थान वाला है, यानी तुम्हारा जो थार डेजर्ट है, डेजर्ट वाले जो एरिया है, प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टीवेशन, अगर हम इनको प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड करें तो ये सॉइल कल्टीवेटेड कल्टीवेशन के लिए हो सकती है। यहां पर भी ह्यूमस नहीं है, लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर, ड्राई क्लाइमेट की वजह से। रीजन क्या है, ड्राई क्लाइमेट। देखो यहां पर हाई टेम्परेचर की वजह से ह्यूमस नहीं था, और यहां पर ड्राई क्लाइमेट की वजह से नहीं है, हाई टेम्परेचर भी है और इवापोरेशन ज्यादा है यहां पर। इस सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम बाय इवापोरेटिंग वाटर। तो इस सॉइल में जो सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है उस वहां पर हम इवापोरेशन का मेथड यूज करते हैं एनएसीएल के लिए, कॉमन सॉल्ट के लिए। फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल हमने देखा जो यहां पर ब्राउन कलर में था ये, ठीक है ना, ये वाला एरिया। फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस रीजन एरिया वेयर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहां पर रेन फॉरेस्ट, सफिशियंट रेन फॉरेस्ट है। फीचर डिफर फ्रॉम बेस्ड ऑन लोकेशन, लोमी एंड सिल्टी वैली साइड, सिल्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड द एल्यूवियल फैन आर फर्टाइल। सिल्ट क्या होता है, सिल्ट जो मतलब नदियां अपने साथ में जो मिनरल्स वगैरह चीजें बहा के ले आती हैं, और ये प्लेन एरिया में जाके छोड़ डिपोज बिकम मतलब छोड़ देती हैं इनको, उसे हम बोलते हैं सिल्ट। क्रॉपिंग पैटर्न, इंडिया में तीन टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न है, राबी, खारीफ एंड जैद, ठीक है ना। राबी क्रॉप्स होती हैं, खारीफ क्रॉप होती हैं, जैद होती हैं। अब राबी जो क्रॉप होती हैं वो विंटर क्रॉप्स होती हैं, मतलब जो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में जिनको उगाया जाता है और अप्रैल से जून के बीच में इनको काटा जाए, ठीक है। ज्यादातर इस टाइम पर जो होता है वो होता है गेहूं,
जो इंडिया में जो सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप कौन सी हैं? खरीफ क्रॉप वो होती हैं जो समर में उगाई जाती हैं, मतलब बिगनिंग ऑफ मानसून से पहले, जून जुलाई के अराउंड, और सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है। जैसे कि इंडिया में अगर एग्जांपल रहे तो राइस की बात करें। जैद क्रॉप क्या होती हैं? जैद क्रॉप वो होती हैं जो सीजन राबी और खरीफ के बीच में बच जाता है, जो टाइम उस टाइम पे जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं जैद क्रॉप। जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, किकम्बर, वेजिटेबल फूडर क्रॉप्स, और इसी सीजन में हम शुगर क्रेन को भी ग्रो करते हैं। वैसे गन्ने को उगाने के लिए एक साल, मतलब जो पूरा उसको उगा के जो काटने का टाइम होता है वो पूरा एक साल तक चले जाता है। तो याद रखना जैद क्रॉप वो टाइम है जब इन दोनों के बीच का, ठीक है ना। रबी तो विंटर में शुरू होगा और गर्मी में कटेगा। खरीफ क्या होगा? गर्मी से शुरू होगा और अक्टूबर सितंबर नवंबर के अराउंड कटेंगे, मतलब दिवाली के अराउंड अराउंड, ठीक है। जैद मतलब इन दोनों के बीच का जो एरिया बच गया वो जैद क्रॉप का हो गया। फिर सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, हम सॉइल नेचुरल वे ऑफ सॉइल इरोजन क्या है? विंड है, ग्लेशियर है, वाटर लीड, ये जो सॉइल इरोजन के जो पार्ट है, ठीक है। सॉइल इरोजन वैसे इसमें है, मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, दे देता हूँ, बट सॉइल इरोजन का जो पार्ट है वो सिक्स क्लास की ज्योग्राफी में हम अच्छे से कवर करेंगे। सिक्स या सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी में बहुत डीप चैप्टर इसको दिया है। स्टिल मैं एक छोटा सा ओवरव्यू तुमको देता हूँ यहाँ पर कि नेचुरल वे ऑफ सॉइल इरोजन क्या है। विंड, हवा की वजह से सॉइल, मतलब हवा अपने साथ सॉइल को डाली जाती है। ग्लेशियर है, वाटर है, पानी बहा के ले जा रहा है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी जो कि अभी हमने पढ़ा, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, माइनिंग हो गई, तो ये क्या है? सॉइल इरोजन के कारण है। अब सॉइल इरोजन को बचाया कैसे जा सकता है? यहाँ पर हम क्रॉप्स को बेटर करके, जैसे कि हमने बात करी कि एफोरेस्टेशन करो, स्ट्रिप क्रॉपिंग करो, तो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सॉइल इरोजन को कंजर्वेशन कर सकते हैं। इरोजन और कंजर्वेशन, इरोजन में सॉइल एक तरीके से खराब होगी और कंजर्वेशन में हम कैसे भी उसको बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर था हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चीज़ें जितनी चीज़ें समझ में आई हैं, जो जो चीज़ें तुमसे पूछी जाती हैं वो उसको कमेंट करो। मैंने देखा बच्चे ज़्यादा कमेंट करते नहीं हैं, वीडियोस पे व्यूज़ आ जाते हैं पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट किया करो अपने जो सॉल्यूशन है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।